तो बेंटन के शो में ये हमें काफ़ी बार देखने को मिल चुका है कि बेंटन की जो ओमनीट्रिक्स है या फिर अल्टीमेट्रिक्स है बेन को काफ़ी बार जो है रॉन्ग एलियन प्रोवाइड करती है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता था कि बेन जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था उसके बजाय ओमनीट्रिक्स उसे किसी अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देती थी। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, बेंटन क्लासिक से ही हमें ये देखने को मिल गया था कि बेंटन की जो ओमनीट्रिक्स है वो काफी ज्यादा बार बेन को जो रॉन्ग एलियन प्रोवाइड कराती है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेंटन जब एजमथ से मिला था फर्स्ट टाइम बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में, उस टाइम पे जब एजमथ को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑफ करना था, वहां पे एजमथ ने बेन को ये बात बोली थी कि इस ओमनीट्रिक्स को तुम एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए यूज करते हो या फिर किसी पत्थर को तोड़ने के लिए। क्योंकि गाइस, बेंटन जब भी ओमनीट्रिक्स का यूज करता था उस टाइम पे हमें देखने को मिलता था कि बेंटन जो है अपने हाथ को ओमनीट्रिक्स के ढक्कन पे काफी ज्यादा जोर से मारता था। हालांकि उसे बस हल्का सा दबाना होता है, लेकिन बेन जो है ऐसा नहीं करता था। इसीलिए एजमथ बेन को ये बात बोलता है कि तुम इसे पत्थर तोड़ने के लिए यूज करते हो क्या। तो इससे ये पता लगता है कि ओमनीट्रिक्स बेन को गलत एलियन नहीं देती थी, बल्कि बेंटन ओमनीट्रिक्स को दबाता ही ऐसे था कि किसी पत्थर को तोड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से बेंटन की जो ओमनीट्रिक्स है वो उसे गलत एलियन प्रोवाइड करा देती थी। यानी कि डाइलिंग में जो एलियन होता है उसकी बजाय दूसरा एलियन उसके आसपास वाला वो उसमें ट्रांसफॉर्म कर देती थी। और अगर सेकंड रीजन की बात करें तो ये वाला रीजन काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और आप में से काफी लोग ये बात जानते भी होंगे कि बेंटन क्लासिक यानी कि बेंटन के स्टार्टिंग शो से ही हमें ये बात देखने को मिल गई थी कि बेंटन की ओमनीट्रिक्स में कैनन बोल्ट फर्स्ट टाइम अपने आप से अनलॉक हुआ था, यानी कि ओमनीट्रिक्स ने उसे अनलॉक किया था। उस टाइम पे ओमनीट्रिक्स ने कैनन बोल्ट को अनलॉक किया जिस टाइम पे स्पेस में से एक मॉन्स्टर अर्थ पे आने वाला था, और जैसे ही वो अर्थ पे आता है बेंटन का कोई भी एलियन सिवाय कैनन बोल्ट के उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता। और कैनन बोल्ट को उस टाइम पे गाइस ओमनीट्रिक्स ने खुद से अनलॉक किया था। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ओमनीट्रिक्स जो बेन को सिचुएशन के हिसाब से सही एलियन ही प्रोवाइड कराती है। और इसके काफी सारे एग्जांपल हमें काफी जगह देखने को मिल चुकी है जहाँ पे बेन को यूज कोई और एलियन करना होता था, लेकिन ओमनीट्रिक्स जो उसे सही एलियन ही प्रोवाइड कराती थी ताकि उसका यूज करके बेंटन जो है अपने ओपोनेंट को इजिली हरा दे और बैटल को जीत जाए। तो इन दोनों रीजन में से आपको कौन सा रीजन सही लगता है कमेंट करके मुझे बताना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन आता तो आप लोग वो भी कॉमेंट करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।